देखिए पहला इलस्ट्रेशन है कि दो सोप बबल, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा, ये दोनों हवा में उड़ रहे थे और आपस में टच हो गए, कॉन्टैक्ट में आ गए। तो कॉन्टैक्ट में आ गए तो पहले इसकी रेडियस थी आर वन, टू सोप बबल्स इन कॉन्टैक्ट, टू सोप बबल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट, पहले वाले की रेडियस थी आर वन, दूसरे की थी आर टू। इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि R1 is greater than R2। जब वो कांटेक्ट में आएंगे, जो उनका कॉमन इंटरफेस है, वो ना तो पहले जैसा रहेगा, ना पहले का ना दूसरे का, वो चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि इनका कॉमन इंटरफेस है वो कैसा होगा। बाहर का प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी है पी नॉट है। अब देखिए यहाँ ये कॉनकेव साइड छोटे तरफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि छोटे वाले का रेडिएशन कर्वेचर कम था, यानी छोटे वाले का प्रेशर ज्यादा था। अगर इसमें प्रेशर P2 माने, इसमें प्रेशर P1 माने, तो P2 की प्रेशर ज्यादा थी, तो जिसकी प्रेशर ज्यादा होती उधर कॉनकेव होगा। खैर हमको निकालना है R1 और R2 के टर्म में R की वैल्यू क्या होगी, जो कॉमन इंटरफेस बन रहा है ये भी, उसकी नई रेडियस और कर्वेचर क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार यहाँ से यहाँ जाते हैं, हम जानते हैं एक्सेस प्रेशर इन साइड ए सोप बबल, यहाँ पर भी एयर था, यहाँ पर भी एयर था और यहाँ पे एक सोप का बबल था। तो यहाँ पे होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, तो हम जानते हैं कि P1 की वैल्यू होती है, P1 की वैल्यू होती है P0, P1 की वैल्यू होती है P0 प्लस 4SYR1। उसी तरह से P2 की वैल्यू होती है P2 इज इक्वल टू P0 प्लस 4SYR2। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो AB है, ये किसी बहुत बड़े किसी दूसरे ही स्फीयर का एक पार्ट है। ये AB जो है, ये किसी बड़े स्फीयर का पार्ट है, हमको उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर हम देखें इस स्फेरिकल इंटरफेस के थ्रू, हम लिख सकते हैं P2 कॉनकेव साइड माइनस कॉनकेव साइड इज इक्वल टू 4SYR। अगर हम इन दोनों से P2 minus P1 को यहाँ substitute करते हैं, तो हम पाएंगे आ जाएगा 4s by R2 minus 4s by R1 is equal to 4s by R1। यहाँ से आ जाएगा 1 by R is equal to 1 by R1 minus 1 by R2। यानी कि अगर R1 R2 same होती, अगर R1 R2 same होती, यानी दोनों का pressure same होता, तो ये flat होता। उस केस अगर R1 R2 same होता, तो 1 by R zero होता, इसलिए radius of curvature infinite होता। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक यू शेप का एक थिन ट्यूब है और इसके दोनों एंड्स पे हमने एक एक सोप बबल क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर ये एक सोप बबल है और ये एक सोप बबल है, और अगर हम इनको छोड़ते हैं और इस वॉल को खोल देते हैं, वॉल जो है इसको बंद किए हुए वॉल को खोल देंगे, तो क्या होगा, एयर किधर से किधर जाएगा। तो देखिए यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। बिकॉज यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, सो जैसे आप उसको पास देंगे, आप जानते हैं कि फ्लूइड फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो फ्लूइड ऐसे फ्लो करेगा, ये इसमें से ऐसे फ्लो करना शुरू होगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ना हो जाए। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये ऐसा होगा, जनरली सोच के लगता है कि शायद इक्वल साइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, होगा यूँ ये फ्लो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और एक टाइम पर ये हो जाएगा इस शेप का, इसका साइज थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, पूरा का पूरा गैस लगभग यहाँ आ जाएगा। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हो जाएगी आर, तो यहां पर ये लगभग वैनिश हो जाएगा, बट यहां पे भी ये छोटा सा इसका जो सरफेस बनेगा यहां पे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही होगी, यानी ये लगभग पूरी तरह वैनिश कर जाएगा और दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही इस छोटे से कर्व इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये हो जाएगा फाइनल। सो लोअर जो स्मॉलर वो है, जो स्मॉलर बबल है, वो वैनिश कर जाएगा अल्टीमेटली, पूरा का पूरा गैस ऑलमोस्ट सेकंड में पहुंच जाएगा, बड़े वाले में पहुंच जाएगा।
और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाएगी, बट ये दिखेगा बाहर, ये सिर्फ छोटा सा पार्ट दिखेगा। तो यहाँ पर रहेगा 4s² और यहाँ पर रहेगा 4s² प्रेशर सेम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सोप बबल है जो लास्ट केस में थे, एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2, दोनों आते हैं एयर में, दोनों मीट करते हैं, दोनों की कॉमन बाउंड्री बनती है और किसी तरह कॉमन बाउंड्री ब्रेक कर जाती है, यानी बिना किसी एयर का लॉस हुए, बिना किसी ट्रैप गैस का लॉस हुए, दो एयर बबल मिलके एक एयर बबल बन जाते हैं अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ये न भी दिया होता तो बाय डिफॉल्ट हम आइसोथर्मल ही लेते हैं, बट हमने लिख दिया है कि आइसोथर्मल कंडीशन में ऐसा हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, इंडिविजुअल पहले बबल्स की रेडियस थी R1 एंड R2, पहले फर्स्ट बबल की रेडियस थी R1। दूसरे एयर बबल की रेडियस थी R2, दूसरे एयर बबल की रेडियस थी R2। जब दोनों मिल गए तो बिना किसी गैस का लॉस हुए, दोनों मिलके एक बन गए, ट्रैप गैस का लॉस नहीं हुआ और इसकी रेडियस दी हुई है R। हमें निकालना है व्हाट इज द सरफेस टेंशन। तो हम कैसे निकालेंगे, जरा देखते हैं, हम जरा देखते हैं हम उसको कैसे निकालेंगे। ये दोनों मिलके एयर का बिना लॉस हुए बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि बिकॉज ये आइडियल गैस इक्वेशन है, वैलिड है, सो हम लिख सकते हैं N1+N2=N। नंबर ऑफ मोल जो इसके अंदर थे ट्रैप N2 और ये हो गया नंबर ऑफ मोल कंजर्व। N1 होता है P1V1/RT1+P2V2/RT2=PV/RT। हमको ये दिया हुआ है कि टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल कंडीशन यानी सबके टेम्परेचर सेम है, यानी T1, T2 और T सेम है, R तो सेम है, इन तीनों को कैंसिल कर सकते हैं। T1, T2 और T सेम है, टेम्परेचर का कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। नाउ P1 को क्या लिख देंगे, P1 को लिख देंगे P0+4s/R1। ये हो जाएगा P0+4s/R1। एक्सेस प्रेशर, यहाँ का प्रेशर होता है P0 से कितना ज्यादा होता है / 4s/R1, क्योंकि ये स्फेरिकल सोप बबल है, इंटू 4/3πR³ वॉल्यूम प्लस P0+4s/R2 इंटू 4/3πR³ इज इक्वल टू P0+4s/R इंटू 4/3πR³, ठीक है। यहाँ देखिए 4/3π कट गया, हम P0 के सारे टर्म एक साथ ले आए तो आएगा P0 × R1³+R2³−R³ = सरफेस टेंशन 4s/R इंटू, हम यहाँ देख रहे हैं सॉरी 4s इंटू उस साइड हो जाएगा R²-R1²-R2², यहाँ से सरफेस टेंशन आ रहा है, यहाँ सरफेस टेंशन आ रहा है P0 × R1³+R2³−R³ / 4 टाइम्स ऑफ R²-R1²-R2², ये आपका सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर बाहर वैक्यूम होता, यानी P0 कितना होता, 0 होता, तो उस केस में ये टर्म भी पूरा का पूरा कितना होता, 0 होता। इफ P0 इज 0, यानी अगर बाहर वैक्यूम अगर ये चीज हुआ होता तो उस केस में R² = होता R1² + R2², ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर दो एयर बबल जो सोप बबल होते हैं, सोप बबल हमने एयर बनाया और दोनों आके टच में है, कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर इसकी रेडियस और कर्वेचर पहले से R1 थी, इसकी रेडियस और कर्वेचर पहले से R2 थी, जो ये कॉन्टेक्ट में आएंगे तो दोनों का जो कॉमन इंटरफेस है उसका रेडियस चेंज हो जाता है, वो मालूम हो जाता है R। ये किसी बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस है R। नाउ अगर हम इस पॉइंट, ये जो कॉमन मॉलिक्यूल है तीनों इंटरसेक्शन पे, वहाँ पे अगर तीनों सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनके बीच में एंगल, ईच एंगल 120 डिग्री आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ सिमेट्री होती है,
ये जो मॉलिक्यूल है इसके जस्ट बगल का मॉलिक्यूल, इसके जस्ट का मॉलिक्यूल, इसके जस्ट बगल का मॉलिक्यूल, इसको फोर्स लगाएगा। और बिकॉज तीनों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उनका फोर्स भी बराबर होता है, इसीलिए यहाँ जो ये एंगल बनेगा, हम फर्स्ट ड्रॉप के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, सेकंड ड्रॉप के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, और थर्ड जो कॉमन इंटरफेस है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो तीनों बीच म्यूचुअल एंगल 120 डिग्री होता है हमेशा।